बोलो काली कमली वाला मेरा यार है। कह दो भैया इसको, इसका रिटर्न मत देना, इसको सिंपल चलने दो, कहना अरे काली कमली वाला मेरा, और बाबा अरे मेरे मन का मोहन तू दिल। अब ऐसा ही एक बार हुआ, कुछ शाम प्रेमी भाइयों की तरह ग्रुप बनाकर एक जैसे कुर्ते पहनकर खाटू जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? खाटू। आवाज नहीं आई, कहाँ जा रहे थे? खाटू। जाते जाते रास्ते में कुछ लोग मिले जो मेरे बाबा शाम को नहीं जानते थे। उन्होंने बोला अरे कहाँ जाता है? प्रेमी बोले मैं मेरे बाप मेरे यार से मिलने जाता हूँ। बोले कहाँ जाता है? बोले खाटू जाता हूँ जब सबकी बिगड़ी किस्मत सवर जाती है। बोले अच्छा खाटू जाता है, कौन है खाटू वाला? प्रेमी बोला ग्रुप में कि काली कमली वाला मेरा। उन लोगों ने चिल्ला कर बोला अच्छा वो खाटू वाला तुम्हारा यार है। अब शाम प्रेमियों से कोई चिल्ला कर बात करे कोई सहन नहीं करता। प्रेमियों ने जवाब दिया कि हमें चिल्ला कर बोला बाप के लिए, अब हम भी चिल्ला कर जवाब देंगे। उन्होंने जवाब दिया हाँ मेरा यार है, मेरा दिलदार है। अब कौन कौन हक से कहता है कि काली कमली वाला मेरा यार है, सिर्फ मेरा, सिर्फ है, सिर्फ मेरा। वो सीधे हाथ उठा लेना जिसको लगता है बाबा सिर्फ मेरा है, सारे प्रेमी। और साथ में क्या कहेंगे? हाँ मेरा यार है मेरा दिल, प्यार से कहना अरे काली कमली। और बाबा पीछे वालों अरे मेरे मन का मोहन तू। अब बताओ किस किस का यार है, किस किस का यार है, साथ में उठा लो सीधे सीधे हाथ सारे। ये सेवा के लिए दिए भगवान ने, आज इनका इस्तेमाल करो सेवा में। और ताली बजा कर कहना अरे काली कमली वाला मेरा यार है, अरे काली कमली वाला हाँ मेरा यार है। ये ताली मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। आगे वाले प्रेमी समझदार है, खाटू जाके आए हैं सारे के सारे। नहीं लेकिन पीछे वालों को बोलना जरूरी है, भैया रहोगे चौखट से दूर तो खोना ही खोना है, पीछे पीतल ही पीतल आगे सोना ही।
अरे इसके दरबार में आके अच्छे अच्छे मुस्कुराने लगते हैं, कितनी चिंताएं छोड़ देते हैं। कहते हैं बाबा मुस्कुराने की वजह। और भले खाटू में धक्के खाए हो या ना खाए हो, कीर्तन में धक्के खा रहे हो पीछे वालों, कहने देना बाबा से कि बाबा धक्के खाने की वजह तुम। और बाबा क्या करें, रहा जाए ना जाए ना जाए ना ओरे सांवरे। अब एक बात बताओ माताएं बहने, एक समय के बाद पीछे वाली माताएं बहने अनुष्का घर जाने लगी। बिल्कुल ठंड ज्यादा है, जल्दी उठते हैं, लेकिन ऐसा कौन कौन है जो सोच कर आया है कि पूरा कीर्तन करके ही आज घर जाऊंगी। क्या बात पक्का है? कहते हैं कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। रोज सोना है, आज किस्मत वाले हो बाबा आया है। आज बाबा को घर बेचकर घर जाना, पूरा कीर्तन करके जाना। मैं कहती हूँ जो काम नहीं बनते होंगे वो भी जरूर बनेंगे। फिर कहना कि दीदी कहकर गए थे, जो भी दिल की बात है आज मांग लेना बाबा, ये परेशानी है, और फिर सीधे सीधे हाथ उठा लेना और मिलकर ताली बजा कर कहना, अरे मेरे मन का वाहन तू दिलदार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। पीछे वाले भाई बोल दो राधे राधे, जोर से बोल दो राधे राधे। अच्छा दीदी राधे राधे क्यों बोला जाता है? अनुष्का बाबा ऐसे नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, है ना? ये इतना सारा परिवार है, इनको पता चलना चाहिए, राधा का नाम लेंगे बाबा दौड़ा दौड़ा आएंगे। अरे राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, इधर से गाओ बोलो। अरे राधे राधे जब वो चले, कौन? राधे राधे जब वो चले, अरे आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, जरूर आएंगे, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। एक बार बोल दो ओ बाबा, ऐसे थोड़ी बुलंद आवाज में बोलो ओ बाबा। ये सारे राजस्थान वाले अनुष्का, बिल्कुल सांवरिया जी को भी रख लिया, बिल्कुल रख खाटू लिया, श्याम को भी रख लिया, हाँ सालासर धाम को भी रख लिया, फिर भी एमपी वाले तेज पड़ रहे हैं, ऐसा तो कैसे हो सकता है अनुष्का? बिल्कुल दीदी है, एक बार राजस्थान वाली आवाज में जितना दम है ये राजस्थान वाली आवाज आनी चाहिए। कहना बोलो राधे 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 जब वो चले आएंगे बिहार, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहार, लेकिन अभी थोड़ा कम दिख रहा है। हाँ, हाँ। अच्छा आज से पहले कीर्तन में कौन कौन गए हैं बाबा के?
कम लोग गए हैं ना, बहुत कम लोग हैं। जब भी बाबा का कीर्तन में जोश दिखना चाहिए, बाबा को लगना चाहिए कि मेरे प्रेमी हैं, भले ही आप बाबा को जानते हो या नहीं जानते और हो। जो नहीं जानता मैं बाबा की महिमा जरूर बताऊंगी कि ये खाटू वाला कौन है, पक्का बताऊंगी। लेकिन आप भजन गाओ, ताली जरूर साथ दो। और अगर राधा नाम जीवान पर नहीं आ रहा, नहीं बोल पा रहे राधे राधे, तो सुनना किशोरी जी से बोलना, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। बोलो राधे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हाँ, सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए। क्या हो? सुबह पे किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। नारे किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय जय चलेगा। बाबा को खाटू से बुलाया है, गाना तो पड़ेगा। बाबा जोत के माध्यम से सबको देख रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। ये जो ये वाले भैया है ना, कौन से भैया? ये वाले भैया। हाँ हाँ, ये उड़ा रहे हो ना आप कब से? एक बार जब मैं बोलूँ जब उड़ाओगे, अब जल्दी से इसको प्रिपेयर कर लो आप, है ना? सारे शोर बचाओगे अच्छे से, खाटू वाला शोर बचाओगे, मंडल वाले बचाएंगे शोर। हाँ। उठाओ सीधे सीधे हाथ, सारे जितने हैं जहां तक आवाज जारी है, अब आपकी शोर मचाना है साथ में। ओ रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे ओ भड़े बाबा को बुलाया, कितनी मेहनत लगी? खाली मंडल वालों को पता है कि कितनी मेहनत लगी? हम सबको इंतजार था कि हम बाप को बुलाएंगे, बाप जरूर आएगा। अब अच्छा महसूस हुआ कि नहीं हुआ कि बाप हमारे बीच है? अरे शाम तुझे मिलने का क्या है? वो सत्संग ही बहाना। अच्छा थोड़ी बहुत आवाज आई, 250 ग्राम आई। पीछे पीछे तक जितनी माताएं बहने बैठी हैं, बुलंद आवाज में कह दो, कह दो। अरे शाम तुझे मिलने का, बोला बोला, ओ सत्संग ही। आहा, क्या बात है, इधर से और इधर से। अच्छा सुनो, सबसे पहले बैठ जाओ और धक्का मुक्की अब मत करना, भैया बैठ जाओ अपने अपने जगह। और जितने पुलिस वाले भैया हैं इनको खड़े रहने दो, अगर जगह नहीं है बैठने की तो, है ना? परेशानी नहीं करेंगे किसी को भी, भजन गाएंगे। आओ जरा जितने भाई हैं, कहना अरे शाम तुझे मिलने, गा दो साथ में। क्या ओ सत्संग ही बहाना। और बात बताओ, इधर से माता है, मैंने इतना अच्छा गाया, बहुत अच्छा। आप लोग बाबा के लिए आए हैं ना सबसे पहले, सारे के सारे कौन कौन बाबा के लिए आया है? आप में से आए हो तो एक बार गा दो उनके लिए, कह दो सारे अरे शाम तुझे मिलने का, गाओ सत्संग ही बहाना। जो गा रहे हैं वो कहना, जो नहीं गा रहे भैया गा लो, सबको अपने अपने पड़ोसी की कसम है ये दिन रोज नहीं आएगा। कहना अरे दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पूरा। अरे किसी को बताना क्या पड़ा, हम जानते हैं हम कितनी सेवा
जो गाएगा वही पाएगा। जोर से बोलो, जो गाएगा वही। कौन कौन आज यहाँ से कुछ ले जाने आया है, उठाओ सीधे सीधे हाथ, सीधे हाथ सारे। कोई कंजूसी मत करना बाबा, देखना तेरे बच्चे हैं, जो जैसा हाथ उठाए वैसा हाथ पकड़ना, जो जैसी ताली बजाए वैसे उनके घर जाना और मिलकर कहना क्या, अरे शाम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। सबकी आवाज आ गई। अब ये जितने मंडल वाले, इन्होंने मेहनत करी है, इतनी पब्लिक आई है, पहली बार कीर्तन हुआ भैया, एक बार इन लोगों के लिए ताली बजाओ बजाओ। अब इनकी आवाज सुनते हैं कि इन्होंने दो दिन से तो खाना मेरे हिसाब से सही से खाया नहीं होगा, कि बाबा आएगा कीर्तन कैसा होगा, पहला कीर्तन है। लेकिन बाबा ये बच्चे हैं, इन्होंने कीर्तन करवाया, इनकी आवाज सुनना कैसा गाते हैं। शाम तुझे क्या है ओ सत सबसे पहले जितनों के हाथ में फोन है, जेब में रखो फोन, सबसे पहले रख दो जेब। भैया ताली एक हाथ से बजती है, दो हाथ से बजती है। अब उठाओ सीधे सीधे हाथ, दो उठाओ, उठाओ, उठा लो साथ में मिलकर ये ए दो तीन चार। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है उनसे। ऐसा है कि वो संख्या में भारी है, लेकिन पुरुष तो कल भी आभारी था, आज भी आभारी है, और महिला कल भी भारी थी और आज भी। दीदी देखो ऐसा मत बोलो, क्यों? मुझे लगता है कि अब अच्छा गाएंगे सारे के सारे। अनुष्का सबके हाथ मोबाइल है, मेरी माताएं बहनों के पास दिख रहा है। अच्छा तो एक बार इनसे गवा लो, फिर मैं इनसे गवाती हूँ कैसे गाते हैं सारे। इसमें कितना है दम? बिल्कुल देख लेते। देखो मेरी छोटी बहन है, माताएं बहन है, मुझसे बड़ी दिखती है। मेरी नाक मत कटाना, भाइयों की तरफ हो गई है, कहना ढूंढा तुझे चंदा में पाया है, ओ सूरज कहाँ पाया। अच्छा सुनो भैया, उधर से आई आपको आवाज आई, उधर से ये नहीं तो आई ना, चीटिंग चीटिंग कर रहे। 250 ग्राम आवाज आई ना उधर से। अब मैं चाहती हूँ पीछे पीछे तक 1 किलो आवाज आनी चाहिए सारे भाइयों की, सुनते हैं। और दीदी 1 किलो नहीं, मुझे लगता है 10 किलो आवाज आएगी। ऐसा है? बिल्कुल। और देखो अनुष्का साथ में गा देना, साथ में बुलंद आवाज में। सूरज में ढूंढा तुझे चंदा में पाया है, गाओ। और अरे अनुष्का सुनो, हाँ ये पार्टी वार्टी रहने दो यार। क्यों दीदी जीत नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। एक बार ताली बजा लो अपने आप के लिए सारे। अरे सूरज में ढूंढा तुझे चंदा में पाया है, ओ सूरज में ढूंढा तुझे चंदा में पाया है। और कहना अरे तारों की झील मिले, कहाँ मिला ताली बजा। ओ मेरे शाम का बसेरा है, शाम
है कि बाबा को कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम। ऐसा नहीं, बुलंद आवाज में बोलो, जो जो अपना मानता है हक से कहना हारे का सहारा बाबा श्याम। के बाबा को वरदान मिला है बरबरी कलयुग में तेरे दरबार में जो हार कर आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। सबके जीवन में दुख परेशानी है, आज कीर्तन है, भजन के माध्यम से अपने दुख कह देना और जो दो हाथ सेवा के लिए आए वो सीधे सीधे उठा लेना। सारे जल्दी उठा लो, बार बार बोलना ना पड़े। सारे भाई बजाओ ताली कहना लगन तुमसे लगा मैंने, लगन तुमसे लगा मैंने, जो होगा सारे गाओगे। एक बार बुलंद आवाज में बोलो जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम। ये प्रेमी जो खाटू जाते बाबा से क्या कहते हैं पता है? क्या उठाओ कहते सीधे सीधे हाथ, उठाओ सीधे सीधे हाथ, कह दो बाबा से कि बाबा हो तेरी गलियों का मैं आशिक, तू एक नगी